नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश संकल्प पत्र से उत्साह में नारी शक्ति। मैं हूं बिलाल मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। उस संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं से महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। गुरुग्राम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में नारी शक्ति ने पीएम मोदी और साथ ही बीजेपी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गुरुग्राम के सेक्टर 14 की राजपूत वाटिका में सोमवार को बूथ नंबर 76 पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने शिरकत की। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति कार्यक्रम में रही। इस मौके पर सभी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए बेहतरीन लेकर पीएम मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपनी घोषणाओं में देश की आधी आबादी को वरीयता देकर एक बार फिर ये साबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये सरकार सही मायने में महिलाओं का हित चाहती है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जिस तरह से 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस क्षेत्र से जोड़ने, इस ग्रुप के उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक जिला एक उत्पाद FPO, एक कामॉल, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाएं और साथ ही ONDC GM पोर्टल से जोड़कर उनके उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की घोषणा की गई है, ये सराहनीय है। नारी शक्ति वंदन बिल पास करा करके जो सम्मान आप लोगों को देने का जो भविष्य में काम करेंगे देश के प्रधानमंत्री ने, उससे बड़ा सम्मान कोई हमको दे नहीं सकते। पिछली अगर मैं बात करूं तो पंचों और सरपंचों के अंदर 50% आरक्षण देकर के, और जितनी आप सभी गांव से आपकी लेकर रहने गांव में निवास करती है सबको पता है तो जितनी ज्यादा आज हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर पंच और सरपंच चुनकर हमारी बहने आई महिला करती है और कुछ दिखाई नहीं देता। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोनिया यादव, जिला उपाध्यक्ष सुंदरी खत्री, रीना पिंकी, सुनीता, मंडल अध्यक्ष प्रियव्रत कटारिया, नमन अग्रवाल, राही फाउंडेशन से हंसराज, चंदा, गीता, अजय शर्मा, नीरजा शर्मा, संतोष ठाकुर, संतोष शर्मा सहित राजपूत वाटिका भगवती सदन राजविला से भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। फिलहाल मेरे साथ हमारे खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एन भारत।